गाइस आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कि गेमर्स हैं और अपने गेमिंग के लिए लाइक पबजी मोबाइल, सीओडी मोबाइल जैसी गेम्स के लिए एक बढ़िया एयरबड्स ढूंढ रहे हैं ताकि वो जो वायरिंग वाले झंझट होते हैं एयरफोन्स के उनसे वो बाहर निकल पाए और एक ऐसा एयरबड वो ले, ऐसा वायरलेस एयरफोन्स वो ले जिनसे उनको माइक के रिलेटेड कोई भी इशू ना आए, वो एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी गेमिंग कर पाए। तो मेरी ये वीडियो स्पेशली मैं बोलूँगा गेमर्स के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पबजी मोबाइल जैसी गेम्स के लिए एक बढ़िया एयरबड्स, बढ़िया वायरलेस एयरबड्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पर उनको वो तमाम फीचर्स मिले जो उनकी गेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो डेफिनेटली वो लोग हार्प की तरफ से आने वाले वायरलेस एयरबड्स की एक बार ये अनबॉक्सिंग तो ज़रूर से ज़रूर देख लें। सही फरमाए, सबसे पहले यार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। राइट, अनबॉक्सिंग देखने के बाद आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि क्या कंटेंट इसमें आपको मिलता है, किस प्राइसिंग पे मिलता है, कैसी बिल्ड है वगैरह वगैरह। देन आफ्टर मैं उसके बाद आपको ब्रीफली बताऊंगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है मुझे कंटिन्यूसली इन एयरबड्स का यूज़ करते हुए और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कोई दो लोग, जी बिल्कुल आप में से कोई दो लोग इन एयरबड्स को फ्री में पा सकते हैं, सीधे उनके घर पर डिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल सही समझा, गिवे यहाँ पे कर रहा हूँ इन दो एयरबड्स को जो कि हार्प कंपनी ने स्पेशली आप लोगों के लिए किया है। करना क्या है, क्या नहीं करना है, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो के साथ। बढ़ते अनबॉक्सिंग की ओर, देन आफ्टर हम बात करेंगे अपने ओपिनियन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। सो दोस्तों चलिए अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं हार्प की तरफ से आने वाले इन वायरलेस एयरबड्स की। तो देख सकते हो सामने की तरफ हार्प की ब्रांडिंग है और बैक साइड में डिवाइन 3 यानी कि प्रोडक्ट का जो नेम है वो लिखा गया है। इनके और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है, आप अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हार्प डिवाइन 3 जो कि एक ब्लू वायरलेस एयरबड्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। बॉक्स जो है दोस्तों जो मैग्नेटिक लॉक के साथ आता है तो काफ़ी मतलब सही है। वैसे बॉक्स की आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि इनबिल्ट यहाँ पर आपको जो है वो केस मिल जाता है हार्प की तरफ से जो कि जिससे आप मतलब अपने एयरबड्स को बार बार रिचार्ज भी कर पाओगे अप टू 70 आवर्स, और कुछ इस टाइप का बॉक्स है। बॉक्स को दोस्तों हम साइड पर रख लेते हैं और सबसे पहले मतलब हम इसके जो बॉक्स जो कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं कि बॉक्स में और आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे एयर कप्स, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक यूएसबी केबल जिसकी क्वालिटी काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है, और दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर आपको कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार जानना जरूरी है, लाइक ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, वॉल्यूम कैसे बढ़ती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़र मैनुअल बताई गई है। वैसे मैं कभी यूज़र मैनुअल पढ़ना रिकमेंड नहीं करता लेकिन आप इसका एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल यार जो बॉक्स कंपोनेंट की क्वालिटी है, अब चाहे बात करूँ यूएसबी केबल्स की, एयर कप्स की, लगता है कि यार नहीं यार बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पे आपको मिली है, जबकि मैंने देखा ये चीज़ें जो आती है एडोन्स जो आपको मिलते हैं इन सब चीज़ों के साथ उनकी क्वालिटी कुछ बढ़िया नहीं होती, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। करता हूं दोस्तों हार्प के इस वायरलेस एयरबड की, जो इसका केस है जहां पर आप अप टू 70 आवर जो है वो अपने एयरबड्स को रिचार्ज कर सकते हो, वो बिल्कुल मेटल बिल्ड के साथ आता है और बहुत अच्छी और बढ़िया फिनिशिंग यहां पे दी गई है। मतलब कॉर्नर्स में यहां पर आपको क्रोम ग्रिल मिल जाती है थोड़ी थोड़ी जो कि काफी मतलब इनहेंस करती है लुक्स को। और ये है आपके दोस्तों एयरबड जो कि बेसिकली आप देख रहे हो कि चार्ज हो रहे हैं। इसमें इनबिल्ट आपको बताया कि जो बैटरी जो वो चार्ज कर देती है अप टू 70 आवर, और सिंगल चार्ज मतलब सिंगल फुल चार्ज होने पे ये एयरबड जो है वो आपको अप टू 4 आवर्स का 4 to 5 आवर के आसपास का जो बैकअप दे देती है, एज कंपनी ने 5 आवर बताया, लेकिन 4.5 घंटे आराम से ये जो बैकअप है वो आपको दे देता है। अब चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं कुछ इसके हाईलाइट फीचर्स के बारे में कि क्यों मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले अब दोस्तों बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया मैट फिनिश के साथ आ रहा है और मेटल फिनिश मेटल बिल्ड यहाँ पे आपको मिलती है केस की, तो वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बात है और काफ़ी सही लगता है और काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। अगर आप देखो इन ईयरबड्स में क्रोम फिनिश दी गई है तो वो काफ़ी यहाँ पे मतलब सही लगता है। और उसके साथ साथ यार यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना बोलूँगा जो अच्छे अच्छे ब्रांड है जैबरा B&O, आप इनके साथ इनको कंपेयर कर सकते हो। इसकी साउंड क्वालिटी अनमैच साउंड क्वालिटी है, लाइक मैंने उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली यूज़ किया है और मैं एकदम इम्प्रेस्ड हूँ यार। और उसके साथ साथ यार जो बेस है
वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। और अब मैं बात करूँ लो की, हाई की, एकदम क्रिस्पी म्यूजिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वोकल्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप इतना पे कर रहे हो तो आपको वो चीज़ इसमें डेफिनेटली मिलेगी। नॉइज़ को लेके कोई इशू नहीं है, एकदम मतलब नॉइज ब्लॉक करता है अच्छे लेवल पे। और उसके साथ साथ यार सिंगल चार्ज पे आपको ये अप टू 5 आवर का बैकअप दे देता है। अगर आप इसको रिचार्जेबल अपने केस में डाल दें तो अप टू 70 आवर तक इसको चार्ज करता है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे बात है। और उसके साथ साथ यार अगर आप गेमर बूमर हो, गेमिंग वेमिंग पबजी में करते हो, उसके रिलेटेड मैं यही बोलूंगा कि बेस्ट भाई, आपको ये नहीं लगेगा आपने एक ईयरबड लिए हैं, आपके दोस्तों को कम आवाज सुनाई दे, स्टेबल आवाज ना सुनाई, क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है यार इसकी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत स्टेबल है और बहुत अच्छे तरीके से गेमिंग के लिए इसको ऑप्टिमाइज करा गया है, खासकर पबजी और COD मोबाइल जैसी गेम्स के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक टच ईयरबड ढूंढते हो इस प्राइस सेगमेंट में, तो मुझे नहीं लगता हार्प के अलावा कोई ऐसी कंपनी होगी जो आपको इस प्राइस में टच सेंसर वाला एक ईयरबड देगी, जहां पर आप वॉल्यूम तक कंट्रोल कर सकते हो। जो बड़े बड़े ब्रांड है, बोस, सोनी जैसे, वो सेनाइजर जैसे, इसके लिए वो बहुत पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको सिर्फ 4200 में मिल रही है, तो मेरे ख्याल से ये बुरी डील नहीं है। उसके साथ साथ यार यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो IPX8 यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ मिलता है, स्वेट, रेन, इन सब से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी ऐसे कई अच्छे अच्छे फीचर्स हैं मैं आपको बोलूँगा, बस मेरा एक ही रिकमेंडेशन है यार, अगर आप एक अच्छे एयरबड ढूंढ रहे हो, अच्छे वायरलेस एयरबड ढूंढ रहे हो और आपका बजट भी अच्छा है, तो ये आपके लिए बने हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ पे बात आती है मेरे ओपिनियन की, मेरे रिव्यू की, कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी है इस हार पे और मैं क्यों आपको इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बिना सोचे समझे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार अगर आप गेमिंग के लिए, लिटरली इसको गेमिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, खासकर पबजी जैसे गेमिंग में, आपने देखा होगा अगर आप कोई अदर ईयरबड्स यूज़ करते हो, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, तो आपकी आवाज़ पूरी आपके दोस्त को नहीं जाती, आवाज़ कटती है वगैरह वगैरह, 100 टाइप्स के इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और मैं ऑल ओवर ये बोलूँगा कि साउंड क्वालिटी की तो आप बात ही ना करें, लाइक इसमें बिल्कुल ही बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, वोकल से लेके अप से लेके डाउन से लेके एकदम क्रिस्पी बेस, हर एक चीज़ का बहुत तरीके से मतलब ख्याल रखा गया है। और सबसे बेस्ट चीज़ मैंने आपको बोली कि गेमिंग के लिए ये बेस्ट है, अगर आप गेमिंग के लिए एयरबड ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बना है। गिवअवे के बारे में, तो गिवअवे के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि गाइज आपको नीचे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब सेक्शन कमेंट में कुछ भी इसके बारे में कुछ भी अच्छा कमेंट कर देना है कि आपको इसके बारे में अच्छा क्या लगा, और डेफिनेटली ये आप में से किसी एक दो लोगों को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ डेफिनेटली गाइज जो मतलब रहेगी वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैंने बाकायदा वहाँ पर बताया हुआ है कि पूरा प्रॉपर तरीके से आपको गिवअवे में कैसे पार्टिसिपेट होना है, वो आपको पूरा वहाँ पर पता चल जाएगा। मैं मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।